लोकसभा में अचानक पारित हुआ ये बिल, जाने क्या होगा फायदा। टैक्स पेयर्स की हो गई बल्ले बल्ले, फाइनेंस बिल में 64 आधिकारिक संशोधन, जाने क्या होगा जनता का फायदा। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है, लोकसभा ने 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ फाइनेंस बिल 2023 पारित कर दिया। जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है उसमें न्यू टैक्स सिस्टम को अपनाने वाले टैक्स पेयर्स को राहत भी दी गई है। इसके अलावा जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन, बॉन्ड में इन्वेस्ट वाली कुछ कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स को वापस लेना शामिल है। सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम का विकल्प चुनने वाले टैक्स पेयर्स को शुक्रवार को कुछ राहत दी। फाइनेंस बिल में संशोधन करते हुए व्यवस्था दी गई है कि 7 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम से कुछ ज्यादा इनकम कमाने वाले लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम पर ही टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि न्यू टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल से लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने प्रावधान को समझते हुए कहा कि न्यू टैक्स सिस्टम के तहत अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो इस पर 25,010 रुपए का टैक्स देना पड़ता है और 100 रुपए की इस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से टैक्स पेयर्स को 25,010 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। इसलिए संशोधन के जरिए टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की गई है ताकि व्यक्ति जो टैक्स चुकाए वो 7 लाख की टैक्स फ्री इनकम से बढ़ी हुई आय से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले में 7 लाख से अधिक इनकम 100 रुपए है, इसलिए टैक्स भी इतनी ही राशि पर लगना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की जिनकी आय 7,27,777 रुपए तक होगी उन्हें इस प्रावधान का फायदा मिल सकता है। अन्य संशोधनों में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 20% करना शामिल है। फाइनेंस बिल के सभी 64 संशोधन ध्वनिमत से पारित हुए। राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। फाइनेंस बिल में जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत 1 अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले प्रोडक्ट्स में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अब तक निवेशकों को इस पर लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स मिलता था और इस कारण ये निवेश पॉपुलर था। फिलहाल बॉन्ड या निश्चित आय वाले प्रोडक्ट से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक 3 साल के लिए कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाते हैं। 3 साल बाद ये कोष मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर 20% या महंगाई के प्रभाव के साथ 10% का भुगतान करते हैं। सरकार ने 2014 में बॉन्ड में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड पर टैक्स सिस्टम में बदलाव किया था। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए समय सीमा बढ़ाकर 3 साल कर दी गई और टैक्स की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस फाइट्स।